और जंगल में फंस गए हैं, ना कोई रास्ता समझ में आ रहा कहाँ है। बस एक ट्रेल से बनी थी उस पर चल रहे हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, बस तीन बंदे हम। अब पता नहीं यहाँ क्रेजी क्या लगता, सो क्रेजी कह रहा है। अरे फंस गए, ये ट्रैम चलती है, ये भी 6 बजे तक चलती है, 7 बज गए हैं, और 7 बजे जो गेट के मेन गेट है वहाँ तक बसें लेके जाती है 8-10 किलोमीटर। इन लोगों को मैं ना शाहरुख खान वाला पोज बता रहा था, ऐसे कहता रहा शाहरुख खान वो वाला पोज, 10 बारी समझाना पड़ा फिर जाके समझ में आया इनको। और फिर भी मैंने कहा आंखें तो खोल, आंखें की बंद कर ली, आंखें बंद कर ली इसने। चलो अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के ये फ्लैग वाली कोई प्रॉपर इनकी ये स्ट्रीट थी, मतलब इस पहाड़ पे कोई एक एरिया है जहाँ पे फ्लैग लगाए हुए थे सारे, हर जगह लगाए हुए, पर ये बहुत लंबा है। ओ घूम फिर के वहीं आगे। अच्छा ये पहाड़ का एरिया था जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे ना, वो देखो पीछे से यहाँ से स्टार्ट हुए थे घूम के, फिर वहीं चलते थे। यहाँ पे ना कुछ कुछ तालों को जर लगा हुआ है, देखो लगता है इनके प्याल को भी जर लग गया होगा, पुराना हो गया होगा ना इसलिए। और कईयों ने तो ताले में 2 ताले लगा रखे हैं, इसका मतलब ये है अफेयर चल रहे हैं कईयों के, एक्स्ट्रा अफेयर चल रहे हैं। ये देखो एक ताले के ऊपर एक ताले में दूसरा ताला लगा रखा है, अफेयर चलाते हो यहाँ के पता लग जाता है, देखो कितना मोटा ताला है। फ्रिज मैग्नेट मिल रहे हैं जंग जिया जी के, मैंने 2 ले लिए हैं, बहुत है, आई थिंक इतने से ज्यादा क्या ही करना। हर स्टेट का एग्जाम वो मैग्नेट है, ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है जो ये डाल के घूम रहे हैं, ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है जो ये डाल के यहाँ पे कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है उसके लिए डालते हैं यहाँ पे। जैसे हिमाचल में हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना, वो डाल के पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं, तो आप ऐसे दिखोगे। ये देखो ये रखे हुए सींग और वो मशीन है जिससे बनाते घिस घिस के, और ये रखी कंघियां, ये इन अलग अलग सींगों की बनाते हैं, गाय का सींग होगा मेरे ख्याल से, 2-3 जानवरों के सींग है, हर एक ही अलग अलग है, पूरी पूरी नकाशी भी बेचते हैं। तो जब किसी को पूरा खरीदना है तो पूरा सींग पूरा बुल और बनाए हुए वो भी है, बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं है। इन्हें तो जिद पकड़ ली, छोरा लेगा मानना का, कहता है स्पेशल एडिशन कॉइन है, मना चाहिए चाहिए किसी भी तरीके। माँ मारा कि तेरी घर जाकर इतने पैसे फूकने लग रहे हैं। हाँ समझ गया, कहता ये वाला लेना स्पेशल एडिशन कॉइन है। ये कॉइन लिया इसने, इसमें से कोई स्पेशल कॉइन कह रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आया इनकी कोई होगा इनके देश का कोई स्पेशल कॉइन। देखो आप भी देख लो, 20 युआन का है, 20 का भी, 30 का भी, गोल्ड का भी, पर ये तो इसके अंदर है। हाउ कैन यू ओपन दैट, पता नहीं सिल्वर का लग नहीं रहा मेरे को, तो हल्की क्वालिटी का लग रहा है, बाकी पता नहीं इसको ज्यादा नॉलेज होगी जिसने लिया है। 20 युआन का लिया, ये ले, नाइस नाइस, यू ट्राई। ट्राई तो कर ली मैंने, टिक्की सी गोली है, कोई स्वाद तो है नहीं, नो टेस्ट, नो टेस्ट, व्हाट इज दिस, नो टेस्ट, बहुत सही है सब, कोई टेस्ट था नहीं उसका, नो डिलीवरेंस, नो नथिंग, कुछ भी नहीं था इनके, ज्यादातर चीजें ना ज्यादा मीठी है नहीं, शायद चावल के आटे की बनी हुई थी शायद। अच्छा चलो बस में चलते हैं, दूसरी बस की तरफ निकलते हैं क्योंकि यहाँ खड़े रहेंगे तो लेट हो जाएंगे। ये इनका लोकल फ्रूट लिया हमने, अभी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। वैसे तो मैंने टेस्ट कर लिया है, थोड़ा थोड़ा ना टेस्ट वैसा आता है, आपको दिखाता हूँ एक बार, ना रुक के कहीं पे इसका टेस्ट कैसा आता है। अब ये लोकल फ्रूट ट्राई करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो मैंने ट्राई कर लिया था, वो तो मैं कैमरे के लिए दोबारा रिएक्ट देख रहा हूँ, अच्छा देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे वो होता है ना
थोड़ा थोड़ा टेस्ट आया जैसे मूली होती है ना, मूली मीठी होती है, वैसा टेस्ट आ रहा है। इसको सेट करते हैं, पहले सेट नहीं आ रहा मुझे लगा है। मूली जैसा टेस्ट है, बाकी संतरे मूंगफली वाली है। ये इनका जंगली फ्रूट था तो मेरा मन करा टेस्ट करके देखूं। पहले इसको टेस्ट कराया मैंने, मैं कुछ होना है इनको हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा टेस्ट है। ये देखो कितने अलग तरह के यहाँ पे फ्रूट मिलते हैं, पता नहीं कौन सा फ्रूट है, देखने में तो आम जैसा लग रहा है। ये इनका टोफू पनीर है, यहाँ पे ब्लैक कलर का टोफू भी होता है। ये आलू है और ये तो नॉन वेज है ना, नो 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 नो, और वो सारा नॉन वेज ही रखा हुआ है सारा कुछ इन्होंने। वो तरीका बंदे के किसी के दांत हैं जानवर के, ये देखो वो बोले बोले, ये नॉन वेज है सारा, और वो शक्करकंदी रखी है, स्वीट पोटैटो, ये तो कोई मीट है, ये स्वीट पोटैटो है। इसलिए हम तो सिर्फ संतरे खा रहे हैं और कुछ नहीं खा सकते संतरे मूंगफलियाँ सब्जियाँ बस यही खाऊंगा मैं तो। देखो भाई इन्होंने इस जगह पे मैकडॉनल्ड खोल दिया, इतने ऊपर पहाड़ों में भी ये एक छोटी सी जगह मिली वैली टाइप, इन्होंने इसमें भी मैकडॉनल्ड खोल दिया। इनको पता है फॉरेन टूरिस्ट आते हैं यहाँ के, जो लोकल हैं वो अपने लोकल फूड को ही सपोर्ट करते हैं, वो मैकडॉनल्ड KFC में बहुत कम जाते हैं। इन्होंने एक सेम बना रखे मैकडॉनल्ड का, जैसे M है उसका उल्टा कर रखा है, मैकडॉनल्ड बना रखा है, KFC का CFC बना रखा है, उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू अमेरिकन ब्रांड्स। हर जगह टावर आ रहे हैं, शायद इस करके यहाँ की चिड़ियाँ मर गई हैं, पता नहीं ख़त्म हो गई, 5G टावर है हर जगह, इस जगह पे भी देखो। यहाँ पे फोटोज खिंचवाने का बहुत ट्रेंड है। ये क्या है, डिब्बे से लगाए हुए हैं, पता नहीं क्या है, कुछ होगा इनका। ये देखो हम ना ये देखते हैं बहुत ज़्यादा, हमने देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स में, ये देखो लक्कड़ के बनाए हुए, हाँ लक्कड़ के वन आर्ट क्राफ्ट वाले बनाए हुए हैं। ये देखो ये लक्कड़ के अंदर बनाए हुए हैं, एक लक्कड़ को ही एनग्रेव करके उसी के अंदर लाफिंग बुद्धा, ये ड्रैगन, ये इनके कुछ हैं 1800 का है। ये पूरी लक्कड़ को, लकड़ की जड़ होती है ना उससे काट काट के बनाए हुए, एक नहीं है बहुत सारे वो देखो। ये देखो एक और, ये भी लाफिंग बुद्धा बनाया हुआ है, इसको भगवान मानते लाफिंग बुद्धा को, बहुत बड़ी लक्कड़ की मार्केट है, तो हर चीज़ मिल रही है, बड़े यूनिक यूनिक पत्थर हैं। और ये ना चाइनीज़ लोग ये इनके साथ देखो, इनको ऐसे ऐसे करते रहते हैं सारा दिन ऐसे ऐसे, पता नहीं क्यों, अखरोट को भी करते रहते हैं, ये सारे कुछ इनके पत्थर पत्थर हैं। और लोगों की भी दिखाता हूँ आप लोगों को ना, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, वाओ इन सब ने ये पेंटिंग बनाई है इसने, बड़ी औसम पेंटिंग है। एक और पेंटिंग दिखाता हूँ, यहाँ पे बैठ के ना लोग पेंटिंग बनाते रहते हैं, वाओ ये देखो ये इस पहाड़ की पेंटिंग है, सॉरी ये इस पहाड़ की पेंटिंग है, जो सारा पहाड़ आप सामने देख रहे हो ना, कुदरत का कोई एंड नहीं है यार, क्या नज़ारे हैं यहाँ से देखो, जहाँ जहाँ धूप पड़ रही है वो पहाड़ दिख रहे हैं, और आधे जिन पे नहीं धूप पड़ रही वो भी दिख ही रहे हैं, पर कैमरे में शायद ना दिखे, ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हैं, ये वाला पहाड़ देख रहे हो ना आप, ये वाला मैं जूम करके दिखाता हूँ, ऐसा लगता है जैसे ईंट के ऊपर ईंट रख के खुद ही बना दिया किसी ने, ये देखो कहीं से मोटा कहीं से पतला है ना, अलग सी चीज़। ये बने कैसे होंगे यहाँ पे ये नहीं पता मेरे को कैसे बने होंगे, इसके ऊपर तो पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, 5-7 डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी, फिर पता लगेगा कि कैसे बने हैं। यहाँ तो कोई आसपास ज्वालामुखी भी नहीं है, पहाड़ बहुत कुछ कुछ जगहें तो वो देखो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना ऐसे ऐसे बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ से बना रखे होते हैं,
यहाँ बैठ के पेंटिंग करते हैं, कुछ टाइम होता है यहाँ पे, हो गया शायद टाइम ओवर इनका, अभी सारे जा रहे हैं। लेट्स गो लेट्स गो। एक स्पेशल डेक बनाया हुआ है इसी चीज़ के लिए ही, ताकि लोग यहाँ बैठ के इंजॉय कर सकें। ऊपर से यहाँ से नीचे आता है डेक, और ये देखो कितना बड़ा डेक है। ओह, हम जा रहे थे, एक और जगह दिखी मुझे, मैं कह यार इसकी बना ही लेता हूँ। ये देखो काश हमें नीचे जाने का मौका मिलता ना, तो नीचे ट्रैक करके आने में बड़ा मज़ा आता। आने वाले टाइम पे देखना, ये नीचे तक जाने का रास्ता भी बना ही देंगे कहीं ना कहीं से। नीचे यहाँ तक का तो बना हुआ दिख रहा है मुझे, ये देखो ये तो दिख रहा है, पर यहाँ से नीचे 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 जाते बहुत नीचे है, वहाँ से वो नहीं पता कि कहाँ से है, पर आई एम श्योर आने वाले टाइम पर देखना इतनी डिमांड होगी बना देंगे। पूरा दिन यहीं स्पेंड हो जाएगा मेरे ख्याल से, और ये वीडियो दो पार्ट्स में बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर से बना रहा हूँ मैं वीडियो, और बहुत सारे नज़ारे हैं। आपको लग रहा होगा वीडियो में कि सारे एक जैसे पहाड़ हैं, नहीं नहीं, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तब आपको पता लगेगा कि पहाड़ों का वो स्ट्रक्चर अलग है, उन पहाड़ों का अलग है, इनका अलग है, कुछ बीच में मोटे हैं, और कईयों तक कईयों के बीच में जहाँ से मैंने पीछे दिखाया था जहाँ पर फ्लैग लगे हुए थे, जहाँ पर लव वाले लॉक लगे हुए थे, दिल वाले, उस पहाड़ पे जाने का एक रास्ता ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने। वैसे ही जो जो पहाड़ पे पहुंच सकते हैं वहां तक के उन्होंने ब्रिज बनाए हुए हैं। यहाँ पे अगर टूर गाइड भी ले सकते हो, पीछे से मेरे टूर गाइड है ना, वो वहां से लेके चलते हैं, हर एक बंदे को हर जगह लेके चलते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यार हम फैमिली के साथ आएंगे हम कैसे ट्रैवल कर पाएंगे, ये हायर कर लेना, ज़्यादा पैसे नहीं लेते, पूरे ग्रुप को लेके चलते हैं, और पूरे ग्रुप को ईजिली समझाते भी जाएंगे और बताते भी जाएंगे। हमें नहीं समझ में आएगा, हम देख तो सकते हैं, लेकिन नहीं मिले तो मैक्स एंड जेरी, मैंने इनके नाम रखे हैं, ये तुम्हें ज़रूर मिल जाएंगे यहाँ पे। वेलकम टू चाइना। यहाँ ले आए हैं जंगलों में, ना बंदा ना बंदे की जात, मुझे कहते टेंशन ना लो, पता नहीं क्या बोल गया मैंने तो, ओके बोल दिया है। नो वी कैन टेक अ रोड टू बैक अवर होटल, यस 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 ओके। ये कहते रोड सीधा होटल तक जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, देख लो ना आगे कोई ना पीछे कोई, हम पूरे जंगल में हम तीन ही घूम रहे हैं बस। गलती तो नहीं करा इनके साथ आके यहाँ पे मैं, कहीं ऐसा ही हो यहीं कोई कांड कुंड हो जाए मेरे साथ, इसलिए वीडियो बना लेते हैं आखिरी जिंदगी की वीडियो, अगर ये कुछ हो गया तो ये वीडियो लास्ट ही होगी। हमें कभी टीले से पे बैठे आके बहुत जान निकल गई 150 मीटर ऊपर था, और इन्होंने मुझे यहाँ की एक लोकल ड्रिंक दी, कहते ग्रीन हर्बल टी है, मुझे लगा वांग लाउची नाम से है, देख लो आप भी। इन्होंने मुझे ड्रिंक दी, मुझे लगा जूस होगा, अंदर से निकली टी, उसमें ना हल्का सा जिंजर का स्वाद आ रहा है, अदरक का स्वाद आ रहा है, और गले में लगता जा रहा है। सोच समझ के खाना पड़ता है। मैं इनसे पूछ लेता हूँ पहले ट्रांसलेट करके कि ये वेजिटेरियन है वीगन है कहीं किसी का। कहते नहीं, और वो खुद खा रहे हैं बी बक सूअर पिग, मैं दिखाता हूँ आपको पिग यस। इज स्वीट और सॉल्टी, इज स्वीट दिस हाँ Pig. It's sweet or salty? Sweet, like. Or. क्या कह रहे हैं? It's sweet or salty? शानदार. पूछ बताइए. शानदार लाल. लाल. क्या पे? 5-7 मिनट तो एक वर्ड बताने में लगता है, स्पाइसी है, सॉल्टी है। हाँ। यहाँ खड़े हैं दो चाइनीज लड़के और एक इंडियन लड़का, और हम प्लान कर रहे हैं कि कौन सा पहाड़ किसको दिया जाए। लेट्स सी टुगेदर, कम ऑन चढ़ जाओ ऊपर और करो।
एक बात है, जो लोकल्स होते हैं ना उनके साथ घूमने का मज़ा अलग है। वो एक एक जगह एक्सप्लोर करवाते हैं, जो उन्होंने मतलब वो खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि यार यहाँ पे हमने कभी नहीं गए, इस जगह चलते हैं। तो वो यूनिक जगह एक्सप्लोर कराते हैं मेरे को। यही मैं चाहता था कि मैं कहीं भी जाऊँ वहाँ के लोकल लाइट से मिलूँ और वो अच्छे से मुझे एक्सप्लोर करा सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होती है एज़ कम्पेयर टू एज अ टूरिस्ट। मैं आता एक जगह घूम के चला जाता, इनके साथ आया इन्होंने मुझे कल भी पूरे एक जगह घुमाई और आज भी घुमाई। मेरा जांगजियाजी का ट्रिप बहुत अच्छा इनकी वजह से हुआ है। स्पेशल थैंक्स टू मैक्स एंड जॉन, मैंने दोनों के नामकरण कर दिए हैं। अगली बार आऊँगा तो कहते हमारा इंग्लिश नेम नहीं था कोई, तुमने जॉन और मैक्स रख दिया। मैंने कहा ठीक है, आज से तुम्हारा नाम यही है, जॉन और मैक्स। कभी आना हो तो जॉन और मैक्स के पास आना। बहुत आगे निकल के फटाफट में चलता हूँ, पहुँच के मिलता हूँ नीचे, क्योंकि अब 1 किलोमीटर रह गया बस। ये ना चौड़बाजियाँ करके दिखा रहे हैं यहाँ पे कि देखो मैं कितना तेज चल लेता हूँ। डू देखो, अरे गिर जाएगा। ओ वाह, मल्टी टैलेंटेड, थोपड़ा टूट जाएगा तेरा। मखौल बाजी करते करते यही खिंड गया ना, हमें उठाना पड़ेगा। बहुत लंबी सीढ़ी यार, खत्म होने इनको नहीं आ रही है, तो थक गए हैं। ऊपर से आते आते अभी तक पहुंचे नहीं, और पीछे एक बहुत सुंदर फाउंटेन बह रहा है, दिख रहा है कितना सुंदर फाउंटेन है, कितना हरा भरा लग रहा है ना, ऐसा लगता है जैसे मूवीज में नहीं होता। इतना सुंदर लग रहा है, चाइनीज सॉन्ग लगा रखा है। इंडियन जैसे होते हैं ये, देखो मैं कह रहा था इन पहाड़ों के नीचे जाने का रास्ता, ये सच में ऐसा रास्ता है जो इनकी, जहाँ से ये पहाड़ शुरू होते हैं वहाँ पे आ गए हम, बिल्कुल वहीं जा रहे हैं। पूरा घना जंगल है पूरे, देखो इधर देखो कितना डर लगता है, ऐसा लगता है ना कि कहीं दूसरे प्लेनेट पे आ गए, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ देख के और वहाँ के जंगलों में घूम रहे हैं। पेड़ भी अजीब से हैं यहाँ के ना, मतलब हमारे इंडिया के जंगलों के पेड़ों से अलग हैं थोड़े से, देखो हम तीनों ही हैं पूरे इसमें, ना आगे कोई दिख रहा है ना पीछे कोई है, घर भी खाली पड़ा है। अभी 2 घंटे और लगेंगे नीचे पहुंचने में हमें, इन्होंने कहा यहाँ से चलते हैं ट्रेल से। मैंने कहा हो गई आधे घंटे की, 2 घंटे चलते चलते हो गए, 2 घंटे और लगेंगे अभी, मगर रात ही होगी पहुँचेंगे नीचे। तो कहता हाँ, अगर रास्ता याद है, कहते हाँ रास्ता याद है। देखो कितना घना जंगल है, जहाँ ये पहाड़ शुरू होते हैं ना नीचे से, वो जगह है, ऊपर दिख रहे होंगे आपको पहाड़। सो गए किंग जोंग वोंग। माय नेम इज मैक्स, मैक्स Max and John, your English new name. Yes. चलो आगे चल के मिलता हूँ। My new name. ये भी एक memory रहेगी ज़िंदगी में कि हाँ हम तीनों इन जंगल में दो। You know? No. Chinese कोई artist का नाम दिखा रहा, कहता you know? मैं नहीं जानता, अभी तक पहुँचे नहीं हैं, इस trail के साथ साथ चल रहे हैं, कहते 3 किलोमीटर है, पहाड़ के अच्छे नज़ारे लिए फंस के ही बैठ गए हम, तो ये बंद होगी चलना, कहते इसका टाइम है अब नहीं चलेगी, और 7 बजे पार्क बंद हो जाता है, 6:34 हो गए अभी 2-3 किलोमीटर और रह गया, पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी फीलिंग आ रही जैसे जुरासिक पार्क में नहीं होता, उधर से कोई डायनासोर निकल के आएगा इधर हमें खा जाएगा। कितने घने जंगल है देखो, नीचे भी कुछ नहीं दिख रहा, बस ये ट्रेल सी बन रही है, और ऊपर कितना घना जंगल है, अंधेरा होना शुरू हो गया, अब तो डार्क होना शुरू हो गया, पता नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंचते हैं तो बता दूंगा, नहीं पहुंचते हैं तो बताऊंगा ही, फिर भी तो बताऊंगा जैसा भी होगा। पूरी ट्रेल पे कोई नहीं है हमारे तीनों के सिवा, और जंगल में फंस गए हैं, ना कोई रास्ता समझ में आ रहा कहाँ है, बस एक ट्रेल से बनी थी उस पर चल रहे हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, बस 3 बंदे हम, अब so crazy. पता नहीं हाँ क्रेजी का लगता, सो क्रेजी कह रहा है। अरे फंस गए, ये ट्रैम चलती है,
ये भी 6 बजे तक चलती है, 7 बज गए हैं और 7 बजे जो गेट के मेन गेट है वहाँ तक बसें लेके जाती है 8-10 किलोमीटर, वो लास्ट बस भी 7 बजे लेके जाती है। पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे पता नहीं लग रहा, देख के अभी गिर जाता। अभी भाग के आए पीछे से 1-1.5 किलोमीटर भाग के आए हैं और अभी भी कह रहा कहता आप पहले कह रहा था 3 किलोमीटर, अब यहाँ से कह रहा 9 किलोमीटर। फ़ोन की टॉर्च ऑन कर ली, पीछे दिख रही है यार, यहाँ फंस गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुबह मेरी ट्रेन भी है, ट्रेन की तो टेंशन छोड़ो, यहाँ से कैसे निकलेंगे जंगल में से। चलो जल्दी जल्दी पहुँच के फिर बताता हूँ कहीं पहुँचा तो, अभी तो मुझे लग नहीं रहा। मेरे को ऐसा लग रहा मैंने गलती कर दी, आराम से शाम के टाइम तक नीचे आ जाता, ट्रेल की वजह इनके साथ स्वाद लेने के चक्करों में फंस गया यहाँ। अब घबराहट हो रही है थोड़ी थोड़ी ना, क्योंकि पूरा अंधेरा आ जाएगा, यहाँ पे कोई लाइट भी नहीं है, दिखेगा भी नहीं, ट्रेल भी नहीं दिखेगी, कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ मुड़ना है। चलो और है भी नेशनल पार्क, कोई जानवर जूनवर भी आ जाएगा, ये तो बच्चे इनको तो पता लग नहीं रहा, मैं तो टूरिस्ट हूँ। चलो आगे चल के मिलता हूँ आपसे, बताता हूँ फिर क्या हुआ। पूरा 7 तो यहीं बज गया मैं, ये खड़ी है एक डड्डू सी बंद पड़ी है, पर ये भी कोशिश करेंगे अगर ठीक है चल गई तो इसमें सो जाएंगे रात को। ओह आवाज आई कुछ, देखो कितना घना जंगल है, कुछ भी नहीं दिख रहा। न्यू पी चिंचो। ओह ये देखो ये बंद पड़ी है, इसमें आना था ये पहली बंद करके बैठ के। पिंकी पी So cute. So cute. Close कर रखी है पर इन्होंने, सामने दिख तो रही है बस ऐसी कुछ। ऐसे जंगल में फंस जो बड़ा घबराहट होती है। कोई भी नहीं है, एटलीस्ट सिक्योरिटी गार्ड तो बिठा के रखो यार, किसी बंदा कोई आ रहा है जा रहा है रात को, क्या पता लगता है कोई रह जाए अंदर, यहाँ नहीं कोई ढूंढने ढाने आता है इधर से। ओके खुला पड़ा वैसे तो, नहीं तो टप जाते और क्या करते। ओ माय गॉड नोबडी इज हियर, नोबडी देन हाउ वी गो, नो आई डोंट नो, यू डोंट नो। Yeah. ये तो ये भी मुकर गया भाई, आज तो फंस गया भाई बुरे पंगे में, ये तो फंसेंगे ये तो लिगड़े ना लिगड़े, मैं जरूर फंस गया। खड़ी है किसी की गाड़ी, खड़ी है बस, हेज बस बस, पहले भी आए हो, अब क्या बोलूँ इनको मैं, इनका तो कसूर थोड़ी है, मेरा ही कसूर है, इनकी बातों में आ गया था यार। अंधेरा हो गया, जाऊंगी कैसे, कोई भी नहीं दिख रहा, कोई है बंदा दिखा शुक्र है, इसको पूछते हैं हमें वहां तक सिटी तक छोड़ दे किसी तरह। शुक्र है भगवान का, शुक्र है, मेरी तो हार्ट बीट इतनी गले में आ रही थी, ये खुदा हो कर रहे हो, हाँ कर रहे, अंधेरे में आप फंस जाते। ओह बच्चे पहाड़ देखे मैंने तो, यही फंस के रह जाता। खड़े हैं वहाँ पे 2-4 लोग खड़े हैं, आई थिंक ये क्या कह रहा है कि फाइनली सीइंग समवन अलाइव, कोई तो है वहाँ पे, शुक्र है लास्ट बस आ गई, लेट्स रन लेट्स रन, आपको जल्दी बस में बैठ के मिलता हूँ फिर। मैक्स रन रन, जल्दी बस में बैठ के फिर मिलता हूँ आपसे। बस इतना अंधेरा हो गया, देखो एक दूसरे की शक्लें भी नहीं दिख रही, टॉर्च मार के देखनी पड़ रही है। फाइनली पहुंच गए, अगर 10-5 मिनट और लेट होते ना मेरे ख्याल से, देखो ये गिनती के लोग हैं 6-7 लोग हैं, ये भी चले जाते फिर ना मिलती बस। भाई साहब फाइनली पहुंच ही गए, नहीं तो मैं तो होप छोड़ चुका था, अगर हम वहां ना भागते ना ये लास्ट बस थी और हमारी बस मिस हो जाती और
ये बता रहा कि 24 घंटे ऐसे ही रहता है बस, बसेस सर्विस बंद हो जाती है यहाँ की, पर आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते, आपको पैदल नीचे आना पड़ता। और कम से कम 20-25 किलोमीटर था नीचे पैदल आते तो, और जंगल के बीच में से आना था। शुक्र है 2-4 बंदे ही थे, पर हम फटाफट निकल आए वहाँ से। कोई लोकल चाय है जो कह रहे टेस्ट करके देखो, टेस्ट करके देखते हैं फिर आपको। थोड़ा थोड़ा हमारी इंडियन चाय जैसे ही स्वाद है। और भी टेस्ट करवा रहे हैं, कहते ये भी टेस्ट करके देखो और इसका स्वाद भी बताना कैसा है। इसका स्वाद तो जो पहले पिलाई थी उसका स्वाद तो इंडियन जैसा ही था, ये अलग फ्लेवर है कोई। कहते ये भी टेस्ट करके देखो, ये भी टेस्ट करके देखते हैं और बताते हैं कैसा है। अजीब सा स्वाद है, जैसे लकड़ नहीं, लकड़ में से भूस की, भूस में पराली में स्मेल आती है ना, वैसा सा टेस्ट आ रहा है। वो वाली तो जो दूसरी वाली पी थी वो तो प्रॉपर इंडियन वाला टेस्ट था। ये इनकी लोकल टी पी थी मैंने, पर वहां से ली थी। इसका स्वाद तो है थोड़ा अलग सा है, पर वैसा नहीं है, मतलब जैसे भूस नहीं होता, भूस को बॉयल करके दे दिया वैसा टेस्ट है इसका, खत्म कर दी मैंने। और जो दूसरी टी पी थी सॉरी, वो नॉर्मली थी जो हम पीते होते हैं, नॉर्मल टी थी बिल्कुल। चलो ये ट्राई कर रहे हैं दोनों भाई, कर रहे हैं सलाह कुछ लेने देने की। चलो कोई नहीं, इनको खा लेने दो। हम दिखाते हैं, ये मार्केट है ये, आप जब एग्जिट करते हो तो मार्केट आती है भाई, घबराहट हो रही है इनको देख के, तो गंद बंदे थे। आप भी खा लिए इसके बेटे ने उठा के। नो, वेजिटेरियन। मुझे कहता ट्राई करके देखो एक बार, मैं कहा मैं वेजिटेरियन हूँ। नो, भाई तुम्हारा कुछ नहीं पता, कोई जानवर मरा काटा मेरे मुंह में डाल दो और मेरे घर वाले मुझे काट दें फिर। ना भाई ना, थाईलैंड में एटलीस्ट आपको ना इंग्लिश बोलने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाला कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, निकलते हैं फिर। इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और वीडियो में यहाँ तक बने तो कमेंट करके जरूर जाना, अपनी फैमिली को शेयर करना। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्रेस द लाइक बटन। सी यू गाइस, लव कैमरा, सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।